गोदाम में आग, शोरूम में धुआं, मिर्जापुर। रामलला साहनी। मिर्जापुर में कटरा कोतवाली क्षेत्र के बेलतर बाजार स्थित कपड़े के शोरूम में आज सुबह लगी आग में लाखों का सामान नष्ट हो गया। गोदाम में आग धधक रही थी तो शोरूम में धुआं भरा हुआ था। गोदाम में भरा रेडीमेड कपड़ा समेत लाखों का सामान नष्ट हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के जवानों ने किसी प्रकार आग पर काबू पाया। इस दौरान आग बुझाने में अग्निशमन अधिकारी कांच लगने से जख्मी हो गए। एक रिपोर्टर। नगर के बेलसर मोहल्ले में आज सुबह कपड़े की एक दुकान में धुआं निकलते स्थानीय लोगों ने देखा, जब तक कई दुकानें जल चुकी थी, लिहाजा आग लगने की सूचना पर अग्निशमन जवान मौके पर पहुंचे। शोरूम में धुआं भरा हुआ था, गोदाम में आग जल रही थी। अग्निशमन बल आग पर काबू पाने के लिए दूसरे रास्ते से मकान के पीछे जाकर खिड़की तोड़कर धधक रही आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। अग्निशमन अधिकारी अनिल शर्मा सरोज ने बताया, अनिल कुमार सरोज ने बताया कि जब टीम मौके पर पहुंची तो दुकान के शोरूम में धुआं भरा हुआ था, लिहाजा कड़ी मेहनत करते हुए मकान के पिछले हिस्से से गली में जाकर खिड़की तोड़कर आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में किसी की जान की क्षति नहीं हुई। मकान में कोई रहता नहीं था। करीब 5 लाख का सामान जलने का अनुमान है। आग शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना है। अनिल कुमार सरोज, अग्निशमन अधिकारी। दो गाड़ियां रवाना हो गए, मैं भी खुद आया। इसके बाद अंदर धुआं भरा हुआ था, मैंने बीएसए प्लांट करके जो अंदर उसने कोशिश भी किया आग बुझाया। इसके बाद बैक साइड से मैंने जो है दीवार तोड़ करके आग को कंट्रोल किया, काफी सामान को बचा लिया गया है और सुरक्षित है। लगभग कितना देर लगा आप लोग? जन हान नहीं है। समय जो है सुबह आए हैं तो धुआं भरा हुआ था, हम लोग कोशिश किए बुझा लें। इसके बाद बैक साइड से दीवार तोड़कर आग को काबू किए हैं और बीए सीट पान करके हमारा एक उपकरण है उसको पान करके हम लोग धुएं में घुस करके आग बुझाते हैं। वही पान करके मैं आज ये साफ सर्किट है, इनका स्टोर रूम बंद था, रात में कहीं साफ सर्किट हुआ होगा धीरे धीरे सुनते सुनते। नहीं, ऊपर जो है कोई रहता नहीं है, वो दरवाजा बंद है, इनके मकान मालिक बाहर रहते हैं, किराए पे दिया गया है शोरूम। अच्छा, कितने अनुमानित इनका जो स्टोर रूम है?